अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जो आज की वीडियो है वो है हाउ टू यूज वाटरप्रूफ मस्कारा। अच्छा, मस्कारा दो तरह के होते हैं, एक वाटरप्रूफ होता है और दूसरा वाटरप्रूफ नहीं होता है। आज हम बात करेंगे वाटरप्रूफ मस्कारा किस तरह लगाते हैं। सबसे पहली टिप वाटरप्रूफ मस्कारा लगाने की, आप लोगों ने कभी भी गीली आईलैशेस के साथ वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई नहीं करना, वो आप लोग का सही नहीं लगेगा और आप लोग की आंखों के इधर इधर चिपक सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ने मुंह धोया उसके फौरन बाद मस्कारा अप्लाई नहीं करना, टिश्यू लेना है, पलकों को ड्राई करना है, फिर मस्कारा अप्लाई करना है। अगर आप लोग ने लेंस यूज किए हैं, लेंस यूज करने से क्या होता है कि लेंस लगाते हैं उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, थोड़ा सा नीचे लैशेस पे लग जाता है, तब भी हमने टिश्यू पेपर लेना है, लैशेस को सुखाना है अच्छी तरह और फिर हमने अपना वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई करना है। अब चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। हम लोगों ने कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करने वक्त इसका जब हमने वॉन्ड बाहर निकालना है, हमने निकालते सार ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। जो ज्यादा लगा होगा प्रोडक्ट इसके अंदर, ये देखें जी, हम लोगों ने ऊपर से साफ कर दिया और साइड से ज्यादा प्रोडक्ट हमने वापस इसकी बॉटल के अंदर डाल देने। हमने डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप लोग की लैशेस छोटी है ना तो ऊपर नीचे लग जाएगा, अगर आप लोग की लैशेस लंबी है तो बहुत उसने लेंथ दे देनी है, उतनी लेंथ की जरूरत नहीं होगी। इसलिए जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो हमेशा हमने बॉटल के अंदर वापस डाल देना है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये है टिप नंबर टू। अब आती है टिप नंबर थ्री। टिप नंबर थ्री में हमने लैशेस को करना है कर्ल। ठीक है, कुछ लोगों की लैशेस बिल्कुल फ्लैट होती है, मेरी तरह, उनको कर्ल करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों का नेचुरली कर्ल होते हैं, उनको कर्ल करना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास कर्लर नहीं है तो आप लोग क्या करें, फिंगर को हल्का सा गर्म कर लें, ठीक है, और थोड़ी देर आंख को हल्के से लैशेस को उठा के थोड़ा सा स्टे दे दें यूं करके थोड़े टाइम के लिए, और आप लोग की लैशेस थोड़ी सी कर्ल हो जाएंगे अगर आपके पास कर्लर नहीं है, वरना आप लोग बाजार से इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी कर्लर ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब कर्लर उठाते हैं और इस आंख की लैशेस में कर्ल करती हूँ। हाँ जी, कर्लर मैंने उठा लिया है, अब हम करते हैं लैशेस को कर्ल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स गैप, एक दफा नहीं करना, दो दफा करना होता है। ठीक है, थोड़ी देर स्टे करेंगे, अगेन कर्लर लेंगे और अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 That's it। ठीक है जी, हम लोगों ने 10 सेकंड्स का कर्ल देना है और 3 सेकंड के पॉज के साथ, ताकि प्रॉपर लैशेस एक जगह पर टिक जाएं। जिस तरह हम लोग कर्ल, बालों में कर्ल डालने के बाद हेयर स्प्रे करते हैं ना, ये दूसरी दफा हेयर स्प्रे का काम करेगा। ठीक है जी, ये है जी टिप नंबर थ्री, और हम लोगों ने इसको अप्लाई भी कर लिया हल्की सी कर्लों की, मेरे तो लैशेस है ही नहीं, जितनी है उतना उन्होंने कर्ल कर लिए। अब हम मस्कारा लगाएंगे, आप लोग कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा ले सकते हैं। ठीक है, वही बात, हम लोगों ने प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लेनी है, जो ज्यादा प्रोडक्ट होगी हम लोगों ने उसको वापस डाल देना है, ताकि प्रोडक्ट भी ज्यादा देर चले और हमारी आंखों पे ज्यादा भी चीज ना लगे। ठीक है, ये मैंने ज्यादा जो प्रोडक्ट था वापस डाल दिया। अब जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बड़ी जरूरी बात है, हम लोगों ने अब देखिएगा, नीचे से स्टार्ट करना है, हल्का सा टू एंड फ्रो करना है और ऊपर ला के लैशेस को थोड़ी देर गैप देना है, यूं ही पकड़ी रखना है, ताकि जिनकी छोटी लैशेज है ऊपर की तरफ अकड़ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओहो, आंख झपकी गई। 8, 9, 10 ठीक है जी, अब आप लोग देखिएगा, अभी कोट नहीं किया, सिर्फ एक दफा किया। अब मैं इसका एक कोट लगाती हूँ, बिल्कुल आराम से लगाना है। ज्यादा जो प्रोडक्ट थी हमने वो वापस इसके अंदर डाल दी है, अब इसके ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगी हुई। अब हम लोग नीचे से उठाएंगे आराम से ऊपर की तरफ, नीचे से उठाएंगे आराम से ऊपर की तरफ, थोड़ा पास आ जाती हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट कोट अप्लाई कर दी है, आप लोग लैशेज में फर्क देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड कोट कब अप्लाई करनी है। फौरन अगर सेकंड कोट अप्लाई करेंगे ना, जो ये वाली कोट होगी ये भी खराब हो जाएगी। हम लोगों ने इतना ड्राई होने देना है कि 50% ये ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने इसके ऊपर सेकंड कोट लगानी है। बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना, बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगी तब भी सेकंड कोट नहीं लगेगी। अब जरा 50% ये ड्राई हो जाए और फिर मैं आती हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, तकरीबन थोड़ी बहुत ड्राई हो गई है, अब हम नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि नीचे से नजर आ रहा है, टू एंड फ्रो डाउन, टू एंड फ्रो डाउन, टू एंड फ्रो डाउन। नीचे अप्लाई हो गया है, ऊपर वाले 50% ड्राई हो गया, प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ है। अब हम लोग ये सेकंड कोट लगाएंगे बिल्कुल टिप्स पे। अब हमने सेकंड कोट ना इन सिर्फ टिप्स पे लगानी है, तो हमारी लैशेस लंबी होंगी। अगर हम नीचे शुरू करेंगे तो फायदा नहीं होगा उसका। हम लोगों ने इन टिप्स को ही पकड़ के सेकंड कोट के साथ
अप्लाई कर देना। कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रोजे? ठीक है जी, ये लैशेस चुकी गई है ऊपर, अब फर्क देखिएगा आप लोग। अब हम लोग थर्ड कोट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी फेक लैशेस की तरह बन जाएगा, कि जिस तरह हमने आर्टिफिशियल लैशेस लगाई हुई हैं, फिर हमारी अपनी लैशेस नहीं रहेंगी वो। ठीक है, हाँ जी, अब हम सेकंड कोट नीचे भी कर देंगे, क्योंकि ऊपर तो कोट हो गया है, सेकंड नीचे भी करेंगे ताकि नीचे वाली भी लंबी हो जाए, ताकि प्रॉपर आप लोग को पता चल जाए। ठीक है जी, नीचे भी हमने सेकंड कोट कर दी है, ऊपर भी सेकंड कोट कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी लंबी हो, वो फेक लैशेस बन जाएंगी, वो फिर आप लोग को तीन कोट्स करनी पड़ेंगी, या आप लोग को हल्का सा पाउडर लगा के फिर ऊपर कोट करनी पड़ेगी, वो तो जिस तरह आप लोग जितनी चाहे लंबी कर सकते हैं, लेकिन वो फेक लैशेस की तरफ चली जाएगी। ये था जी रिजल्ट। अगर हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जिनकी लैशेस मेरे जैसी छोटी हैं ना, नजर ना आने के बराबर है, तो भी देखे जरा कैसे ऊपर को उठाई गई है। अब हम इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। ड्राई होने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोट्स वगैरह हमने की हुई है ना। आप लोगों को थोड़ा सा आंखें किस तरह दिखाऊं, रिजल्ट आप लोग को नजर आ रहा है? कमेंट्स में बताएं। ये देखिए, अब कितनी आंख ऊपर करूं, मुझे ना नजर नहीं आ रहा कि कब रिजल्ट आप लोग को नजर आएगा। हाँ जी, अब देखते हैं जी वाटरप्रूफ मस्कारे को उतारते किस तरह हैं। ठीक है, ये देखें जी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है, ऊपर नीचे दो दो कोट्स हैं, इस तरफ तो लैशेज माशाल्लाह हैं ही नहीं। अब हमने इसको किस तरह उतारना है? वाटरप्रूफ मस्कारे का मतलब ही ये है कि ये पानी से नहीं उतरेगा, वाइप से नहीं उतरेगा, ये आप लोग रगड़ी जो मर्जी करो नहीं उतरेगा, इसका फॉल आउट नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप जितने दिन मर्जी रखो ये नहीं उतरेगा। ठीक है, हम लोग इसको, जो भी वाटरप्रूफ होता है ना, वो ऑयल बेस से उतरता होता है, जो भी चीज़ वाटरप्रूफ होगी, या तो अगर आप लोग वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ मस्कारा है, ब्लशर है, जो भी आप लोग का कॉस्मेटिक का सामान है वाटरप्रूफ होगा, तो आपको ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करना पड़ेगा, या कोई भी ऑयल यूज करना पड़ेगा उसको उतारने के लिए। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 24 के गोल्ड सीरम। आप लोग 24 के गोल्ड सीरम कर लें, मेरे पास सामने पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। कोकोनट ऑयल कर लें, कोई ऑयल यूज कर लें, ऑयल यूज कर, मकसद ये है कि ऑयल यूज करना है, किसी भी चीज़ से नहीं। ये मैंने वाइप्स पकड़ ली हैं, और ये जी मैंने 24 के गोल्ड सीरम पकड़ लिया है। ये देखें जी, हम लोगों ने एक ड्रॉप लिया, दो ड्रॉप लिया, तीन ड्रॉप लिया, बस ये हम लोग रखते हैं साइड पे। अब हम लोगों ने, ये देखें, फिंगर पे लिया ऑयल। अब हम लोगों ने आंख बंद करके, आंख को खोलना नहीं है, इसको यूं करके रब करना है आराम से, जेंटली, आंख के अंदर ना जाइए। देखें, अब मैं इधर एडिट नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों के सामने सारा आराम से उतर जाएगा, ना आपकी लैशेस कहीं जाएंगी, ना आपको कुछ होगा। जिनकी लैशेस हैं ही नहीं उनकी तो कहीं जाएंगी नहीं, जिनकी लैशेस हैं उनकी भी कहीं नहीं जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये सारा पापड़ी बन के आप लोग के सामने, एक सेकंड की भी मैंने एडिट नहीं मारी इसके अंदर। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें जी, वाइप्स के साथ हमने साफ कर दिया, आंखें बंद रखनी है, ठीक है ना, आंखों में ऑयल ना जाए। ये देखो जी, सारा उतर गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये हम आंख पे साफ कर लेते हैं अच्छी तरह। मैंने 5-6 सेकंड और रब करना था ताकि नीचे से भी उतर जाए, मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी, देखो बस सारा उतर गया, बस नीचे वाले लैशेज पे दो दो कतरे रह गए हैं। ये देखें जी, ये तरीका होता है वाटरप्रूफ मस्कारा उतारने का, पानी से नहीं उतरेगा, वाइप से, अकेली वाइप से नहीं उतरेगा, आप लोग कुकिंग ऑयल से उतार ले, मतलब ऑयल से उतारना है आप लोगों ने, और किसी चीज से नहीं उतरेगा, ऑयल बेस्ड क्लींजर से उतर जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ऊपर लिखा हो ऑयल बेस्ड क्लींजर, उससे उतर, वैसे घर में कोकोनट ऑयल 24 के गोल्ड सीरम तो हर घर में मौजूद है, दो कतरे रब करे उतार ले, अल्लाह अल्लाह दे खैर सलाह। हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इधर से मेकअप उतार लेती हूँ, अब तो बस रात को सोना है और सहरी बनाने लगी हूँ मैं। अच्छा, हर चीज़ को ना इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, ठीक है, अगर उस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो हर चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं आएगा, फिर वो चीज़ हमें बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। आप लोग बस
किसी भी ब्रांड का वाटरप्रूफ मस्कारा है आप लोग इस तरह यूज करें और मुझे बताइएगा आप लोग को रिजल्ट कैसा लगा। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।